आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए और इस सीट पर जहां बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने प्रचंड जीत हासिल की है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को बुरी हार मिली है और इस हार के बाद से ही तय हो गया है कि जिस समाजवादी पार्टी पर कब्जा जमाने के लिए अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव से भी भिड़ गए थे, अपने चाचा शिवपाल यादव से भी लड़ झगड़ गए थे, वो समाजवादी पार्टी आज अखिलेश के नौसिखिया नेतृत्व की वजह से गर्त में जाती दिख रही है। 4 अक्टूबर 1992 यही वो दिन था जब मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की नींव रखी थी और उसी दिन के बाद से मुलायम सिंह ने अपने दम पर सपा को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम किया और अगले ही साल 1993 में वो वक्त भी आया जब मुलायम ने मुख्यमंत्री बनकर यूपी की सत्ता संभाली। लेकिन ये सरकार एक साल 181 दिन ही चली, लेकिन मुलायम का ये संघर्ष यही नहीं रुका। 2003 में वो दोबारा मुख्यमंत्री बने, मगर इस बार भी वो महज 3 साल 257 दिन तक ही मुख्यमंत्री रहे, कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। लेकिन जब साल 2012 में सपा को प्रचंड बहुमत मिला तो मुलायम ने खुद मुख्यमंत्री बनने के बजाय अपने बेटे अखिलेश यादव को अपनी सियासी विरासत सौंपने का मन बनाया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर यूपी की सत्ता सौंप दी। अखिलेश यादव ने भी पूरे 5 साल तक सरकार चलाई, लेकिन जब 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव आया तो जिस पिता मुलायम ने उन्हें सत्ता सौंपी थी उन्हीं से पार्टी पर कब्जा करने के लिए बगावत कर दी और लड़ झगड़ कर पिता की खड़ी की हुई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बन गए। लेकिन वो कहते हैं ना, पिता का दिल दुखाकर शायद ही कोई खुश रह पाता है और अखिलेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 5 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने के बावजूद अखिलेश यादव को अकेले चुनाव लड़ने की बजाय जमीन खो चुकी कांग्रेस का साथ लेना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश राहुल की जोड़ी को साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार मिली और फिर सपा कांग्रेस का गठबंधन टूट गया। सपा के लिए 2017 के बाद से ही जो बुरा दौर शुरू हुआ वो आज तक खत्म नहीं हो सका। 2019 का लोकसभा चुनाव भी अखिलेश यादव अकेले दम पर लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और 2014 के चुनाव में 0 सीट वाली बीएसपी के साथ गठबंधन किया। लेकिन इसके बावजूद सपा के खाते में सिर्फ 5 सीटें आईं और 0 वाली बीएसपी 10 सीट पर पहुंच गई। 2019 के बाद अखिलेश यादव के पास 2022 की यूपी चुनाव की तैयारी करने के लिए 3 साल का वक्त था, लेकिन इन 3 साल में भी वो सपा को मजबूत नहीं कर पाए और इस बार छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन का प्रयोग किया और सोचा कि सपा सत्ता तक पहुंच जाएगी। लेकिन 10 मार्च को जब चुनावी नतीजे आए तो यूपी की जनता ने योगी पर भरोसा जताया और बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, जबकि अखिलेश का सत्ता हासिल करने का ख्वाब एक बार फिर टूट गया। विधानसभा चुनाव में खुद अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और जीत कर विधानसभा पहुंचे, लेकिन सत्ता नहीं मिल पाने की वजह से उन्होंने सांसदी छोड़कर विधायक बनना ही बेहतर समझा और विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए, जिसकी वजह से आजमगढ़ लोकसभा सीट खाली हो गई और इस सीट पर अखिलेश ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को उतार दिया। उन्हें लगा आजमगढ़ की जनता ने पहले 2014 में मुलायम सिंह यादव को जिताया, फिर 2019 में उनके बेटे यानी खुद अखिलेश यादव को जिताया और उपचुनाव में मुलायम के परिवार से आने वाले धर्मेंद्र यादव को भी जिता देगी। लेकिन अखिलेश का ये गुणागणित आजमगढ़ की जनता ने इस बार फेल कर दिया और धर्मेंद्र यादव को बुरी हार का सामना करना पड़ा। इस सीट से लगातार दूसरी बार चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव मुलायम और अखिलेश राज में सपा का प्रदर्शन। मुलायम के अध्यक्ष रहते सपा ने साल 1996 में 16 सीटों पर जीत हासिल की। मुलायम के राज में ही सपा ने साल 1998 में 19 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। साल 1999 के लोकसभा चुनाव में सपा ने यूपी की 80 में से 26 सीटों पर जीत हासिल की। 2004 के लोकसभा चुनाव में सपा ने सबसे ज्यादा 36 सीटों पर जीत हासिल की। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में सपा ने मुलायम के नेतृत्व में 23 सीटों पर जीत हासिल की। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड मोदी लहर की वजह से सपा 5 सीटों पर ही सिमट गई। साल 2017 में मुलायम सिंह यादव को सपा के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और अखिलेश यादव ने कमान संभाली। अखिलेश के नेतृत्व में साल 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने वाली सपा को सिर्फ 5 सीटें हासिल हुई। कन्नौज सीट से चुनाव लड़ रही अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव भी बुरी तरह से हार गईं। साल 2022 में आजमगढ़ और रामपुर सीट पर उपचुनाव हुआ और दोनों ही सीट सपा ने गंवा दी।
अखिलेश ने अपने आजमगढ़ सीट से चचेरे भाई धर्मेंद्र को उतारा था, मगर वो उपचुनाव हार गए। रामपुर आजमगढ़ हारने के बाद अब लोकसभा में सपा के सिर्फ 3 सांसद ही बच गए हैं। इन 3 सांसदों में सैफई परिवार से अब अकेले मुलायम सिंह ही लोकसभा सांसद बचे हैं। जिस समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष रहते हुए मुलायम सिंह यादव यूपी के 2 बार मुख्यमंत्री रहे और 1 बार पार्टी को बहुमत दिलाते हुए अपने बेटे अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया, उसी समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष रहते हुए अखिलेश यादव अपने दम पर ना तो 2017 में मुख्यमंत्री बन पाए और न ही 2022 में मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा कर पाए। इतना ही नहीं, सपा के हालात तो ये हो गए हैं कि ना तो आजम खान अपना गढ़ रामपुर बचा पाए और ना ही मुलायम अखिलेश का गढ़ आजमगढ़ ही सपा बचा पाए। समाजवादी पार्टी की इस हालत पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।